राधे राधे, स्वागत है आपका गौरी गोपाल न्यूज में। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में। आज का नया सवेरा आपके लिए शुभ और मंगलमय है। कल हमने और आपने बड़ा ही सुंदर पावन जन्मोत्सव पूज्य महाराज जी का मनाया। आपने वीडियो में देखा पूज्य महाराज जी किसानों के साथ में खेतों में जाकर के अपना जन्मोत्सव मना रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे। वहाँ पर काम करने वाली हमारी माता बहनें जो किसान घर से हैं और जो मजदूरी करती हैं, उनके साथ में महाराज जी ने मिठाई खिलाई, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उनको दक्षिणा भी दी। और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ में कल की जो बेला वो शुभारंभ भी हुई और कल की बेला वहाँ पे अस्त भी हुई। तो आज फिर से आज सुबह हो चुकी है और फिर से पूज्य महाराज जी का काफिला चला है ओंकारेश्वर मंदिर। जहाँ पर चल रही है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर है, जो कि बड़ा ही फेमस और प्राचीन मंदिर है। ऐसे में ये हम थोड़ा जा रहे हैं दर्शन कर लेंगे पूज्य महाराज जी के साथ में। आइए एक बार राधे राधे आप सभी तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। राधे राधे जी। राधे राधे। भगवान शिव का पावन दर्शन करने के लिए आज माँ नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी आपको भगवान शिव का, ओंकारेश्वर भगवान का और माँ नर्मदा का दर्शन कराएंगे आप सब। अभी आपको बड़े ही सुंदर भव्य दर्शन कराएंगे, साथ ही पूज्य महाराज जी ओंकारेश्वर मंदिर जा कर के वहाँ भी आपको दिखाएंगे क्या क्या वहाँ होने वाला है खास। चलिए आइए चलते हैं आगे वीडियो में। प्राप्त हो रहा है, दर्शन कीजिए माँ भगवती नर्मदा मैया का। और सामने भगवान आदि शंकराचार्य जी का पावन दर्शन देखिए। अभी 108 फीट की प्रतिमा है, 108 फीट की प्रतिमा भगवान शंकराचार्य जी। ये ओमकारेश्वर, इसका नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि जो पर्वत है ये ओम के आकार का, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर है। यहाँ भगवान आद्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा क्यों है, इसके पीछे का रहस्य ये है कि आद्य शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहीं आए थे और इन्होंने गुफाओं में बैठे उन ऋषि मुनियों के चरणों को प्रणाम करके और पूछा कि मैं कौन हूँ। तो इनके जो पूज्य गुरु जी थे उन्होंने इन्हें आत्मतत्व का बोध कराया, इसलिए ओमकारेश्वर भगवान शंकराचार्य जी की पावन स्थली मानी जाती है, उनके ज्ञान की स्थली मानी जाती है। गुरु परंपरा उनकी यहाँ से स्टार्ट हुई है और बहुत गहरा संबंध रहा है आद्य शंकराचार्य जी का ओमकारेश्वर की पावन धरा से। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के अंदर प्रवेश पा चुके हैं। देखिए कितनी सुंदर आकृति पत्थरों के डिजाइन आप देख सकते हैं। ये हमारे जो आप ये सामने है ये आप कोई साधारण कोई साधारण कोई कलाकृति नहीं है, भगवान महादेव के मंदिर में इतनी सुंदर कलाकृति हुई है, प्राचीन कलाकृति है। आज के समय में ऐसा असंभव है ऐसा निर्माण कार्य कराना। प्रसादी भी अब मुझे
जी महाराज ये ब्रिज है तो गमछा और तेरी आईडी लिया आएंगे तो ठीक उसको कह देना तैयारी भी करो का दर्शन करके माँ नर्मदा का दर्शन करके दिव्य अनुभूति हुई और आप लोग भी दर्शन करें माँ नर्मदा का भगवान शिव का ओमकारेश्वर।
आप सभी कथा में आए और कथा सुनते रहे। अभी मनावर में कथा चल रही है, मनावर में कथा चल रही है, तो आप सुनते रहें और सबको जोड़ते रहें कथा से। चलिए, तो महाराज जी ने बताया अनुभव के बारे में, कैसा यहाँ अनुभव हुआ, और सनावत कथा के लिए निमंत्रण भी दिया है, तो आप सनावत कथा के लिए जरूर आइएगा। कथा का आज तीसरा दिन है, चलिए चलते हैं कथा में। तब तक हर हर महादेव।